Hi everyone, this is Rakesh sir from Nagar, Aghapur. Today we are going to learn an important topic, phrasal verb, which is related to break, look and call phrasal verbs. Dosto, aaj hum call, break aur look se banne wali phrasal verb ko cover karne ja rahe hain. Video ko shuru se ant tak zarur dekhen. Agar video pasand aaye to like zarur karein. Aaiye dosto, video start karte hain. To dekhiye dosto, sabse pehle break. आप ब्रेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब को आप जब भी याद करोगे तो आपको ब्रेक को दो शब्दों से रिलेट करना है. एक तो ब्रेक का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना. ब्रेक का मींस क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, तोड़ना होता है. एक दोस्तों किसी भी व्हीकल की ब्रेक, एक किसी भी व्हीकल की ब्रेक, यानी कि जैसे कार की ब्रेक, ट्रक की ब्रेक, किसी भी वाहन की ब्रेक से आप इसको लिंक कर सकते हो ब्रेक. अब दोस्तों देखिए पहले फ्रेजल वर्ब क्या आपके सामने, ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन अब कैसे याद करेंगे दोस्तों कि ब्रेक का मतलब ब्रेक, डाउन को मैंने लिंक करना सिखाया था दोस्तों डाउन से. किससे लिंक करना सिखाया था दोस्तों, डाउन से, कि डॉन की गाड़ी की ब्रेक खराब हो गई तो उसने हौसला खो दिया. यानी कि जो ब्रेक थी किसकी, डॉन की गाड़ी की, वो खराब हो गई तो उसने क्या खो दिया, हौसला खो दिया दोस्तों. इस तरीके से याद कर सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि ब्रेक का मतलब होता है टूटना. यानी कि ब्रेक टूटने के बाद डॉन की गाड़ी खराब हो गई और उसने हौसला खो दिया. ब्रेक टूटने के बाद डॉन की गाड़ी क्या हो गई दोस्तों, खराब हो गई और उसने क्या खो दिया, हौसला खो दिया. अगला देखिए दोस्तों ब्रेक ऑफ. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है दोस्तों संबंधों का अंत होना, अचानक रुक जाना. संबंधों का अंत होना या अचानक रुक जाना. अब दोस्तों देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ब्रेक का मतलब हो गया टूटना, ऑफ का मतलब बंद हो जाना. यानी कि संबंध टूटने के बाद लोग बोलना बंद कर देते हैं. यानी कि संबंध टूटने के बाद लोग क्या कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं. इसी को संबंधों का अंत होना कहते हैं. इसी को संबंधों का अंत होना कहते हैं. दोबारा देखिए दोस्तों कि यानी कि रिश्ते टूटने के बाद लोग बोलना बंद कर देते हैं या अचानक रुक जाते हैं, इसी को संबंधों का अंत कहते हैं. अगला देखिए दोस्तों ब्रेक विद. ब्रेक विद इसका मतलब होता है झगड़ा करके अलग हो जाना. झगड़ा करके अलग हो जाना दोस्तों, तो ब्रेक का मतलब तोड़ना. विद माने साथ में, यानी कि तुम मेरे साथ में रिलेशन तोड़ के झगड़ा करके अलग हो गए थे. तुम मेरे साथ में विद्यानी साथ में ब्रेक यानी तोड़कर अलग हो जाना, तो ब्रेक विद का मतलब झगड़ा करके अलग हो जाना. एक होता है दोस्तों ब्रेकअप, इसको कि आप आराम से जानते हो कि रोज आए दिन होते हैं, ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, इस तरीके से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, रिश्ता समाप्त होना. दोस्तों तीन प्रकार के देखो संबंध समाप्त हो रहे हैं यहाँ पे. एक तो झगड़ा करके अलग होना ब्रेक विद, एक ब्रेक ऑफ और एक ब्रेकअप. इन तीनों में अंतर क्या है दोस्तों, ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता समाप्त हो जाना, यानी कि दोबारा जुड़ने की गुंजाइश न रहना. अब इन दोनों में बाद में पैचअप होने की संभावना होती है, जैसे ब्रेकअप के बाद में पैचअप होने की संभावना होती है, ब्रेक विद में झगड़ा करके अलग हो गए इसमें भी संभावना होती है, लेकिन ऑफ में संभावना नहीं होती है दोस्तों. अगला देखिए ब्रेक फोर्थ. ब्रेक फोर्थ अब ब्रेक फोर्थ को कैसे याद करेंगे कि ब्रेक का मतलब ब्रेक, फोर्थ यानी चौथा. यानी कि ब्रेक लगाने के बाद मैंने जैसे ही फोर्थ यानी चौथा गियर डाला तो अचानक मुझे मेरा दोस्त दिखाई दिया. ब्रेक लगाने के बाद फोर्थ यानी कि मैंने सिखाया फोर्थ को किससे करना है, एफ ओ यू आर टी एच वाले फोर्थ से. इसका मतलब होता है दोस्तों चौथा. क्या मतलब होता है, चौथा. तो ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही मैंने चौथा गियर डाला तो अचानक मुझे मेरा दोस्त दिखाई दिया. अगला देखिए दोस्तों ब्रेक आउट, इसका मतलब होता है फैलना या छिड़ना. तो ब्रेक आउट फैलना या छिड़ना. तो ब्रेक लगाने के बाद बाहर धुआं निकलने लगा, या इसको ब्रेक लगाने के बाद बाहर अचानक धुआं फैलने लगा, इससे वहां लड़ाई छिड़ गई. दोबारा देखिए दोस्तों ब्रेक आउट, ब्रेक लगाने के बाद बाहर क्या हुआ, अचानक धुआं निकलने लगा गाड़ी से,
तो वहां अचानक क्या हो गई, लड़ाई हो गई, पीछे वाले बानवानों को दिखाई नहीं दे रहा था जो भी बाइक वगैरह लेके चल रही थी उनको। अगला देखिए ब्रेक अपॉन, मैंने कहा था दोस्तों अपॉन जब भी आएगा अपॉन को आपको लिंक करना है किससे, अपुन से। किससे लिंक करना है, अपुन से। जैसे फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती अक्सर बोलता है ए, कौन बोला, अपुन बोला भाई, अपुन बोला, इस तरीके से। तो ब्रेक अपॉन इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इसको कैसे याद करें दोस्तों, तो ब्रेक अपॉन यानी कि ब्रेक का मतलब तोड़ना, यानी इसको यानी इस दीवार को अपुन ने तोड़ा, किसी को हस्तक्षेप करना है, इस दीवार को तोड़ना ब्रेक अपुन यानी अपुन ने तोड़ा, हस्तक्षेप किसी को करना है। अगला ब्रेक इन, ब्रेक इन यानी कि दीवार तोड़कर इन घरों में चोर घुसे, चोर दीवार तोड़कर इन घरों में घुसे। जब भी इन आएगा दोस्तों तो इनको हिंदी वाले इनसे लिंक करना है, किससे लिंक करना है, हिंदी वाले इनसे। तो चोर दीवार तोड़कर इन घरों में घुसे। अगला देखिए दोस्तों ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जबरदस्ती घुसना। अब देखो इनटू, इनटू को कैसे लिंक करेंगे, इन टू, इन का मतलब दोस्तों इन वाला, इन हिंदी वाला। अब टी ओ टू को टी डब्ल्यू टू यानी हिंदी वाले इंग्लिश वाले टू से लिंक करना है, इसका मतलब दो होता है। तो चोर दीवार तोड़कर इन टू घरों में जबरदस्ती घुसे, दीवार को तोड़कर चोर जबरदस्ती इन दो घरों में घुसे। अगला देखिए दोस्तों ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों, अचानक मिली सफलता, अचानक मिली सफलता। जैसे कि आप क्रिकेट में अक्सर देखते हो कि जब दो खिलाड़ियों के बीच लंबी पार्टनरशिप होती है तो उसके बाद में जो विरोधी दल होता है, खिलाफ अपोजिशन टीम होती है, उसको जो सक्सेस मिलती है, कोई विकेट मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू। जैसे कि ब्रेक माने तोड़ना, थ्रू माने शुरू से अंत तक। अब देखो थ्रू का थ्रू आउट से लिंक करना है, इसका मतलब शुरू से अंत तक होता है। थ्रू का मतलब तो होता है दोस्तों मैं से होकर, थ्रू आउट से कनेक्ट करना इसको, तो शुरू से लेकर के अंत तक। रविंद्र जडेजा ने शुरू से लेकर अंत तक इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की और अचानक उसे सफलता मिल ही गई, अचानक उसे सफलता मिल ही गई दोस्तों। इस तरीके से ये आपकी ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हो गई। एक बार दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाके बताता हूँ दोस्तों, ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक टूटने से डाउन की गाड़ी खराब हो गई और उसने हौसला खो दिया। ब्रेक ऑफ, संबंधों का अंत होना या अचानक रुक जाना, यानी कि ब्रेक जब लोगों में आपस में झगड़ा हो गया तो उन्होंने आपस में बोलना बंद कर दिया। ब्रेक का मतलब झगड़ा करके अलग हो जाना, यानी कि उसके साथ में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, वो अलग हो गया। ब्रेक का रिश्ता समाप्त होना। ब्रेक फोर्थ, ब्रेक लगा के चौथा गियर डाला तो अचानक दोष दिखाई दिया। ब्रेक का अचानक फैलना या छिड़ना, तो ब्रेक लगाने के बाद बाहर अचानक धुआं फैलने लगा, इससे वहां लड़ाई चढ़ गई। ब्रेक अपुन यानी कि इसको मैंने तोड़ा है, अपुन ने तोड़ा है, किसी को हस्तक्षेप करना है। ब्रेक इन यानी कि दीवार तोड़कर चोर इन घरों में घुसे, दीवार तोड़कर चोर इन घरों में घुसे। ब्रेक इनटू यानी दीवार तोड़कर चोर इनटू घरों में जबरदस्ती घुसे, तो ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना। ब्रेक थ्रू, अचानक मिली सफलता। अब देखिए दोस्तों लुक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। अब दोस्तों छोटे छोटे बच्चे इस लुक को क्या पढ़ते हैं, लूप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लूप पढ़ते हैं। उन बेचारों की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हम टीचर लोग ही सिखाते हैं कि डबल ओ ऊ से बनता है, किसे बनता है, ऊ से बनता है, तो वो लूप से पढ़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत मैंने इसके लास्ट में क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, और लूप को मैंने लूका बना दिया। क्या बना दिया, लूका बना दिया दोस्तों, लूका नाम का डॉग। आप ध्यान रखोगे लूप को क्या याद रखना है, लूका। अब देखिए दोस्तों लूका नाम का डॉग टू यानी दो लोगों से कोई आशा नहीं करता, लूका टू लोगों से कोई आशा नहीं करता। अगला देखिए लुक है, लुक एट का मतलब होता है दिखाना, देखना नहीं होता दोस्तों, दिखाना। जैसे हम स्टूडेंट को अक्सर बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी यानी बोर्ड की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो देखता नहीं है, हम उसको दिखाते हैं। तो इस तरीके से लुक एट याद हो जाएगा।
लुक इनटू यानी छानबीन करना, लुका ने इन टू लोगों की छानबीन की, लुका ने इन टू लोगों की क्या की, छानबीन की। दोस्तों बहुत ही मजेदार ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स आपको दोस्तों खोजने से भी नहीं मिलेंगी। अगला देखिए दोस्तों लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है सावधान होना। लुका बाहर गया है, सावधान रहना। या लुका अपने जो सैनिक हैं यानी उसके साथी ग्रुप के दल के सदस्य उनसे बोल रहा है कि लुका बाहर जा रहा है, सावधान रहना, बड़ी सतर्कता से रहना, पुलिस आ सकती है। लुक फॉर यानी कि तलाश करना, लुक फॉर का मतलब तलाश करना। तो यहाँ देखिए दोस्तों लुका के लिए पुलिस तलाश कर रही है, यानी लुका को पकड़ने के लिए, लुका को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है, तलाश कर रही है दोस्तों। अगला देखिए लुक अप टू, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। लुका आप टू लोगों की बहुत प्रशंसा करता है। आपको आपको लिंक करना सिखाया था दोस्तों किससे, आपसे। किससे लिंक करना सिखाया था दोस्तों, आपसे भी लिंक करना सिखाया था, या आपका मतलब ऊपर भी होता है। तो लुका आप टू यानी दो लोगों की क्या करता है, बहुत प्रशंसा करता है। अगला देखिए दोस्तों लुकअप, लुकअप का मतलब होता है खोजना या सुधारना, खोजना या सुधारना। तो लुकअप को कैसे याद करेंगे दोस्तों, लुक लुका आपको खोज रहा है और वो आपको सुधार कर रहेगा। लुका के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी कि लुका वहां छुपा हुआ है, तो लुका को गुस्सा गया, तो लुका को किसी व्यक्ति जिसने कंप्लेंट किया उसको बताया है कि लुका आपको खोज रहा है और आपको वो सुधारेगा। अगला देखिए लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो लुका के बाद में मैंने उसके माँ बाप की देखभाल की। अगर दोस्तों इसलिए ध्यान रखेंगे जब लुका की शिकायत हो गई तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, तो लुका जब जेल चला गया तो उसके बाद में उसके माता पिता की देखभाल किसने की, मैंने की। लुका के बाद मैंने उसके माँ बाप की देखभाल की। अगला लुक ओवर, लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब होता है दोहराना, दोहराना यानी कि टू रिवाइज दोस्तों। अब इसको कैसे याद करेंगे, लुका के ऊपर केस को मत दोहराइए। लुका के ऊपर ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर। लुका के ऊपर जो केस है उसको दोबारा मत दोहराइए। अगला देखिए दोस्तों लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आगे बढ़कर उम्मीद करना। लुका आगे बढ़कर उम्मीद नहीं करता, लुका आगे बढ़कर उम्मीद नहीं करता। इस तरीके से दोस्तों ये आपकी लुक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हो गई। एक बार जल्दी से फ्लैशबैक में जाते हैं दोस्तों। लुक टू कि लुक का दो लोगों से कोई आशा नहीं करता, लुक एट का मतलब दिखाना, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड। लुक इनटू यानी छानबीन करना, लुका ने इन टू लोगों की छानबीन की। लुक आउट यानी कि लुका बाहर गया है, सावधान होना। लुक फॉर लुका की, लुका के लिए पुलिस तलाश कर रही है, यानी लुका को पकड़ने के लिए पुलिस तलाश कर रही है। लुक अप टू, लुका आप टू लोगों की बहुत प्रशंसा करता है। लुक अप, लुका आपको खोज रहा है और आपको सुधारेगा। लुक आफ्टर, लुका के बाद में मैं उसके माँ बाप की देखभाल करता हूँ या मैंने उसके माँ बाप की देखभाल की। लुक ओवर, लुका के ऊपर केस को दोबारा मत दोहराइए। लुक फॉरवर्ड टू, लुका आगे बढ़कर उम्मीद नहीं करता, फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता, आगे बढ़कर। लुका आगे दो लोगों से उम्मीद नहीं करता। तो दोस्तों ये आपकी हुई ब्रेक और लुक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। अब चर्चा करेंगे दोस्तों कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब के बारे में। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों अब देखिए कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। अब कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब को आपको मोबाइल वाले कॉल से कनेक्ट करना है। किसे कनेक्ट करना है, कॉल से, जैसे मोबाइल से कॉल करते हैं उसी से आपको कनेक्ट करना है। जैसे पहला देखिए कॉल आउट, कॉल आउट। अब कॉल आउट का मतलब क्या है,
कॉल करते वक्त आउट का मतलब बाहर एक व्यक्ति जोर से बोल रहा था, यानी मोबाइल पे वो किसी से कॉल कर रहा था तो बाहर वो जोर से बोल रहा था। कॉल करते वक्त एक व्यक्ति बाहर जोर से बोल रहा था, दोस्तों इस तरीके से कॉल आउट याद हो जाएगा। अगला कॉलेक्ट, कॉलेक्ट। अब कॉलेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी स्थान पर घूमना या भेंट करना। अब इसको कैसे याद करें दोस्तों, कि कॉल का मतलब कॉल, एट का मतलब किसी स्थान पर। दोस्तों आपको पता होगा कि एट जो प्रीपोजिशन है वो किसी निश्चित स्थान से पहले यूज होता है। कहाँ यूज होता है दोस्तों, किसी निश्चित स्थान से पहले एट प्रीपोजिशन यूज होता है। एक चीज बता दूं दोस्तों आपको कि जो ये एट प्रीपोजिशन है निश्चित स्थान से पहले यूज होता है, फिक्स्ड टाइम यानी कि निश्चित समय से पहले यूज होता है, रात्रि से पहले यूज होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट के रूप में जैसे सरप्राइज एट, एंटोनिज्म एट, इस प्रकार के बहुत सारे वर्डों के छाके यूज होता है। एक अलग से मैं प्रीपोजिशन का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें आपके समक्ष इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। अभी आपको ध्यान रखना है एट यहाँ पे निश्चित स्थान से पहले आएगा, तो कॉल एट, कॉल करके किसी निश्चित स्थान पर हम घूमने गए, कॉल करके किसी निश्चित स्थान पर हम घूमने गए और वहां हमारी मुलाकात या भेंट दोस्तों से हुई। भेंट करना का मतलब मुलाकात करना है या भेंट करना। तो कॉल करके हम किसी निश्चित स्थान पर घूमने गए और वहां हमारे दोस्तों से भेंट हुई। अगला देखिए दोस्तों, कॉल ऑन। ऑन को दोस्तों मैंने कनेक्ट करना सिखाया था आपको लगातार से। किससे कनेक्ट करना सिखाया था दोस्तों, लगातार से और आन वान शान वाले आन से, दो वर्डों से कनेक्ट करना सिखाया था। यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों लगातार। तो कॉल करके, कॉल करके लगातार वह किसी व्यक्ति से मिलता रहा। कॉल करके लगातार वह किसी व्यक्ति से मिलता रहा या लगातार मिलता है। अगला देखिए दोस्तों, कॉल फॉर, कॉल फॉर। कॉल करने के लिए, कॉल करने के लिए मुझे रिचार्ज की जरूरत हुई। दोस्तों मेरा जियो का प्लान खत्म हो गया था, अचानक मुझे किसी को इमरजेंसी कॉल करना था तो मुझे किसकी जरूरत हुई, रिचार्ज की जरूरत हुई। कॉल करने के लिए मुझे रिचार्ज की जरूरत हुई। दोस्तों कितनी शानदार ट्रिक्स है दोस्तों। अगला देखिए, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ। ऑफ को दोस्तों कनेक्ट करना है आपको, किससे कनेक्ट करोगे, बंद से। आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि ऑफ जब भी आएगा आपको बंद से कनेक्ट करना है। तो कॉल बंद करके, कॉल बंद करके मैंने जो प्लान था वो स्थगित कर दिया। कुछ करने का प्लान सोच रखा था उसको फिर क्या कर दिया, स्थगित कर दिया यानी कि कैंसिल कर दिया। दोस्तों एक होता है कॉल ऑफ और एक होता है दोस्तों पुट ऑफ। इन दोनों का मतलब जो होता है दोस्तों स्थगित करना। इससे पहले आपने पुट ऑफ सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में, अब यहाँ पे सिखाया दोस्तों आपको कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ और पुट ऑफ दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अर्थ सेम होता है, स्थगित करना, स्थगित करना। तो दोस्तों कॉल ऑफ स्थगित करने के बाद में कोई भी गेम वगैरह या कोई प्रोग्राम बाद में होने की संभावना ना हो, इसको कहते हैं कॉल ऑफ। और पुट ऑफ का मतलब एक बार स्थगित करने के बाद उसको दोबारा से किया जा सके, वो होता है आपका पुट ऑफ। तो दोस्तों कॉल ऑफ और पुट ऑफ दोनों के अंतर्गत आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कॉल ऑफ का मतलब स्थगित करने के बाद दोबारा होने की संभावना ना हो और पुट ऑफ का मतलब दोबारा होने की संभावना हो। दोनों का मतलब ही होता है दोस्तों टू कैंसिल यानी स्थगित करना। अगला देखिए दोस्तों, कॉल अप, कॉल अप। कॉल करके मैं आपको याद करता हूं या कभी कभी कॉल करके बुला भी लेता हूं। कॉल करके मैं आपको, आपको अभी लिंक करना सिखाया था दोस्तों आपसे, आपको किसे लिंक करना है आपसे। कॉल करके मैं आपको याद करता हूं या कभी कभी कॉल करके बुला भी लेता हूं। तो
दोस्तों कितनी शानदार ट्रिक्स हो गई। अगला देखिए दोस्तों, कॉल अपुन। अपुन को आपको दोस्तों अपुन से याद रखना है। किससे याद रखना है? अपुन वो पिक्चरों वाला है, कौन बोला? अपुन बोला भाई, अपुन बोला, इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। तो कॉल अपुन, तो कॉल करके अपुन किसी व्यक्ति को कुछ बोलने या करने के लिए आमंत्रित करता है। कॉल करके अपुन किसी व्यक्ति को कुछ बोलने या करने के लिए आमंत्रित करता है। कॉल ऑन का मतलब भी दोस्तों ये सेम होता है। कॉल ऑन का मतलब किसी व्यक्ति से मिलना भी होता है, और कॉल ऑन का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ बोलने या करने के लिए आमंत्रित करना भी होता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, कॉल फोर्थ। कॉल करके चौथे व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की या प्रतिक्रिया पैदा की। तो फोर्थ को दोस्तों चौथे वाले फोर्थ से याद रखना है। FOURTH वाले फोर्थ से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। इसमें यू आता है लेकिन इसमें यू नहीं आता। तो कॉल फोर्थ यानी कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कॉल करके चौथे व्यक्ति ने प्रतिक्रिया पैदा की। अगला दोस्तों, कॉल आउट, जोर से बोलना। ये दोस्तों मैंने शायद पहले बार जिक्र किया कर लिया, इसके बारे में दोबारा देखिए। कॉल आउट यानी कॉल करके एक व्यक्ति बाहर जोर जोर से बोल रहा था। कुछ लोगों की आदत होती है कि फोन पे जोर जोर से बातें करते हैं दोस्तों। इस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत हमने ब्रेक, लुक और कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब को कवर किया दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों। ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।